नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के डेली एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों कल एक्सपायरी होना है जो फरवरी मंथ का सेकंड एक्सपायरी है। डेटा हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है, बड़े पेयर का पोजीशन कहां पे बना हुआ है, वो एक्सपायरी कहां पे कराना चाहते हैं, इस चीज़ों को हम अपने ऑप्शन चेन के साथ प्राइस एक्शन पे भी देखेंगे और हमें कहां पे कौन सा ट्रेड करना है उसको हम बारीकी से देखेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको पता चल जाए कि क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मार्केट जब क्लोज होता है और डेटा आने के बाद तो सब कुछ बता सकता है कि बड़े प्लेयर ने क्या पोजीशन बना हुआ है। जैसे आप यहाँ पे अगर डेटा पर देखें प्रो की बात, तो प्रो ने आज क्या किया है कि उन्होंने लगभग दोस्तों एक मिनट, वो क्या किए हैं, पुट की आज राइटिंग की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 2,34,000 इनकी पुट की राइटिंग है। तो ये हमें लाइव मार्केट में कैसे पता चलेगा कि बड़े प्लेयर पुट की राइटिंग कर रहे हैं प्रो या फिर FII, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव में मैसेज किया था लगभग 9:32 में, यानी आपको मार्केट ओपन होते ही यहाँ पता चल गया था कि वहाँ पे प्रो राइटिंग पुट 17,600 को क्या कर रहे थे, प्रो पुट की राइटिंग कर रहे थे। जैसे डेटा का पहला टिक अपडेट हुआ NSE पे, मैं अब आपको कोई बहुत बड़ा जो है या फिर डेटा फीड भी नहीं लेता हूँ, मैं NSE के डेटा से वर्क करता हूँ। तो यहाँ पे हमें NSE के डेटा जैसे अपडेट हुआ, हमने वहाँ पे पता कर लिया कि बड़े प्लेयर जो है वो प्रो है, वो पुट की राइटिंग कर रहे हैं 17,600 पे। ये हमारे पूरे जो ऑप्शन चेन का एडवांस ऑप्शन चेन है उसके हुआ। और बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या है, पुलिस है, अप मूव आपको 720 और 730, तो हमने यहाँ देखा बताया आपको कि 10:30 में कि मार्केट 730 तक टच कर सकता है आज अप मूव में। और देखिए मार्केट वहाँ से भी 30-40 पॉइंट ऊपर गया। तो ऑब्वियसली डेटा के आधार पे आप सब कुछ यहाँ पे था कर सकते हैं कि मार्केट में क्या रहना है। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए दोस्तों, आज होली था तो होली में चला गया मैंने यहाँ पे अपने सोसाइटी में। इसके बाद देखिए यहाँ पे आई वॉज नॉट सिस्टम, और आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी देखा कि डेटा में जो है सेटअप सही नहीं बन रहा था, लेकिन वो हमें मिसगाइड किया। तो ओवरऑल डेटा के बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि पोजीशन क्या बना हुआ है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं डेटा को कि हमें डेटा कैसे स्टडी करना है, क्लाइंट्स और FII DII प्रो ने क्या पोजिशन बना के गए हैं। तो अगर बात करें क्लाइंट का, तो मार्केट अभी आपको यहाँ पे देखें कि जो 8 तारीख का यहाँ पे दोस्तों मार्केट यहाँ पे निफ्टी लगता है कुछ ही डेटा गड़बड़ा, ठीक है इसको हम देख लेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉन्ग इनका जो है 3,14,000 से 3,23,000 हो गया, यानी यहाँ पे इनका पोजीशन, जस्ट एक मिनट दोस्तों मैं यहाँ पे अभी सही कर देता हूँ, ये शायद रिफ्रेश नहीं हुआ है क्वेरी दोस्तों। ये क्वेरी आपको जो है मैं बता दूंगा कि हमें कैसे क्वेरी भी लेना है ताकि आपको ये सब सब सारी क्वारी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, पता कर सकते हैं कि कौन से एवरेज प्राइस पे उनका शॉर्ट है, वहाँ कहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, कहाँ से वो लॉन्ग किए हैं। स्पॉट प्राइस यहाँ पे है अब, ये इक्वल टू देखिए अभी यहाँ पे आ गया लगभग, तो 17,754 के ऊपर क्लोजिंग है मार्केट में, 17,734 का VWAP है। तो अभी यहाँ पे VWAP इंडिकेट कर रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है VWAP का, तो 730 और 734 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा मार्केट में अभी VWAP के द्वारा। इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक हमें लॉन्ग रहना है, शॉर्ट नहीं होना, ये हमारा VWAP के ऊपर हुआ। लेकिन यहाँ बड़े प्लेयर ने पोजीशन क्या बना के गए, बात करें अगर क्लाइंट्स का, तो 3,14,000 से 3,23,000 यानी लगभग 9,600 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किया, और 2,49,000 से 2,60,000 यानी 10,500 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट भी किया है। तो नेट बेसिस पे इनका आज जो है चेंजमेंट आप देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है लॉन्ग और शॉर्ट में, 64 से 63, थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट इनिशिएट ज़्यादा किया। ओवरऑल इनका लगभग ऑलमोस्ट इक्वल बराबर है, 72% एज यूजुअल है वो लॉन्ग है और शॉर्ट भी 58% है, तो 14% के साथ वो क्या है लॉन्ग है अभी, यानी यहाँ पे वो अभी भी बुलिस हैं हमारे क्लाइंट, उनको भी जो है आज लॉन्ग और शॉर्ट करके गए हैं। मार्केट दोनों तरफ लगा कि जा सकता है, कहीं कुछ क्लाइंट को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ क्लाइंट को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन नेट बेसिस पे जो है वो 64,000 के करीब लॉन्ग पोजिशन बना हुआ है, वो बुलिस नहीं है। अब हम ऑप्शंस में अगर देखें तो इनके पास जो 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो था कॉल की राइटिंग, उसमें से उन्होंने 76,000 और आज राइटिंग कर दिया, 76,000 और वो राइट कर दिए, तो यहाँ पे वो बेरिश हो गए, इनका लग रहा है कि मार्केट और नीचे यहाँ पे जाना चाहिए स्ट्रॉन्गली, यहाँ पे 1,56,000। और जो इनके पास पुट की राइटिंग थी यहाँ पे, उन्होंने आज पूरे के पूरे क्लोज कर दिया पुट की राइटिंग, मार्केट ऊपर गया पुट की राइटिंग यहाँ पे उन्होंने क्लोज किया, और ये लगभग 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट की बाइंग में आ गए।
यानी जो पुट की राइटिंग थी यहाँ पर पूरे बाइंग बैग, इनको लगा कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या है, बेरिश हो गए ऑप्शन में। फ्यूचर में तो वो बुलिश है, फ्यूचर का भी लॉन्ग टर्म का भी होता है, तो ये कल के लिए नीचे देख रहे हैं मार्केट को, कौन हमारे क्लाइंट। अब हम बात करते हैं एफआईआई की, एफआईआई ने क्या पोजिशन बनाया है। एफआईआई अगर देखें तो इनके पास जो 39 जो लॉन्ग था वो 39,000 ही लॉन्ग है, यानी लगभग 288 कॉन्ट्रैक्ट ही उन्होंने क्लोज किया है, 5,900 शॉर्ट पोजिशन और उन्होंने आज इनिशिएट किया। तो ये डेटा 72,000 से 78,000 यानी थोड़ा सा शॉर्ट पोजिशन इनका बनाया गया है, 9% था इनका और 26% सेम है लगभग, तो 18% इन्होंने शॉर्ट पोजिशन यहाँ पे है, यानी ये अभी फ्यूचर में बेरिश हैं। इनको मार्केट ऊपर भले भी जा रहा है लेकिन लग रहा है कि मंथली जो एक्सपायर होगा वो इनके जो 17,780 और 90 है इसके नीचे ही एक्सपायर होगा, वो मार्केट बिल्कुल लेके ऑब्वियसली लेके नीचे आएंगे क्योंकि फ्यूचर में कोई डीके नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम आपको जो है थीटा नहीं होता है, टाइम डीके कुछ नहीं होता है, प्रीमियम डीके वहाँ नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर वो निश्चिंत रहते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा हो वो ऑप्शंस के साथ उसको मैनेज करते हैं, ऑप्शन में प्रॉफिट करते हैं, फिर जो उनका पोजिशन होता है वो नीचे लेके आ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे जितना उनका शॉर्ट है हमने प्रीवियस डेटा सारा कुछ देखा है। अब यहाँ पे बात करें ऑप्शंस में तो वो क्या किए हैं कि 1,93,000 से 37,000 कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा उन्होंने आज कॉल की बाइंग की है, 2,30,000 हो गया, और 3,21,000 से 18,000 पुट में भी इन्होंने बाइंग किया, तो लगभग 3,40,000 यानी वो दोनों तरफ पोजिशन बना के गए हैं कल के लिए, लेकिन मोस्टली उनका क्या है पुट में ज़्यादा है, तो वो हो सकता है मार्केट को ज़्यादा ऊपर न ले जाए, यहाँ पे ऊपर ले जाके ये कॉल वाली पोजीशन बुक करें और फिर मार्केट को नीचे ले आए और पुट में भी पोजीशन क्लोज करें, तो एक बार थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर रहने के चांसेस हैं। ऑब्वियसली ये बेरिश हैं ओवरऑल अगर बात करें एफआईआई तो। अब बात करते हैं प्रो का, प्रो के पास देखिए फ्यूचर का डेटा 33,863 से 38,000 4,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किया, 4,398 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में, और जो इनके पास जो शॉर्ट 3,100 क्लोज कर दिया, तो 9,000 आज उनका नेट बेसिस पे रह गया सिर्फ शॉर्ट, यानी जो 16,000 था वो 9,000 रह गया, लॉन्ग क्लोज करके लॉन्ग इनिशिएट किए शॉर्ट क्लोज किए 3,000, तो ये आपको लगभग 7,000 के अकॉर्डिंग लगभग 7,000 के टाइप यहाँ पर चेंज हुआ, 7,500 कॉन्ट्रैक्ट चेंज नेट बेसिस पे रेट ऑफ चेंज हुआ, तो यहाँ पर 16,000 आप देखें अभी 9,000 इनका शॉर्ट रह गया, यानी 9% लॉन्ग और 11% ही शॉर्ट है, 2% ये आपको जो है वो यहाँ पे बेरिश हैं, पहले 4% थे आज 2% उन्होंने क्लोज कर लिया, तो ओवरऑल ये यहाँ पे लगभग न्यूट्रल है फ्यूचर में, लेकिन ऑप्शंस में एक्टिव है यहाँ पे, इनके पास जो पुट कॉल की राइटिंग थी वो पूरे के पूरे आज क्लोज कर ली, यहाँ पे देखिए 34,000 इनका सिर्फ रह गया 74, और 1,46,000 जो इनके पास पुट की राइटिंग थी 2,34,000 और उन्होंने आज पुट की राइटिंग कर दी है, मार्केट पूरा ऊपर लेके चले गए, 3,80,000 इनके पास पुट की राइटिंग हो गई, तो यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं मार्केट को ऊपर, ऑब्वियसली ऊपर रखना चाहेंगे और ऊपर रहेगा भी मार्केट। आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, ये पहले इंडिकेट कर देता है कि मार्केट में बड़े प्लेयर की क्या एक्टिविटी रहने वाली है। और DII की अगर बात करें तो DII एज यूजुअल यहाँ पे आज इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, तो आज कोई चेंजमेंट लगभग नहीं हुआ, 5% इनका अभी भी 10% लॉन्ग और 5% शॉर्ट, तो 5% के साथ ये लॉन्ग है DII यहाँ पे, और ये ऑप्शंस में एक्टिव नहीं रहते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन के तौर पर देखें तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स वो बेरिश हैं, FII स्लाइटली बेरिश है, प्रो ऑप्शंस में बुलिश हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश, ऑप्शन को प्रो ही चलाते हैं दोस्तों, इस चीज़ों को याद रखिए कि उनका डेटा आप देखें कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो ज़्यादा मायने रखता है अगर शॉर्ट करते हैं और लॉन्ग करते हैं तो उनके साथ हम देखेंगे कि अभी डेटा यहाँ पे बुलिश है, कल अगर वो फ्यूचर में या फिर ऑप्शन में शॉर्ट करते हैं तो हम अपने लाइव मार्केट वाली जो सीट है उस पर हम इंडिकेट करते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखें कि 17,600 था इनिशियल से ही यहाँ पे राइटिंग चल रही थी हमारे प्रो द्वारा, वो 600 के बाद फिर 650 और 700 पे भी, इवन थोड़ा सा 750 पे भी आके यहाँ पे राइटिंग किया गया है ये प्रो द्वारा। तो ये सारे डेटा है वो प्रो के हैं, ये आप देखें कि एक्टिविटी ये प्रो की पूरी ये ट्रैक, ये वाले कॉलम हमारे दोनों प्रो को ट्रैक करता है, तो इस बेसिस के आधार पे प्रो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं, इवन वो आपको 17,800 पे भी लगभग 21,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्राई करके गए हैं, जबकि 17,700 थोड़ा सा एक सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे पोजीशन मैक्सिमम था लेकिन वो क्लोज हो गया है, ये कॉल साइड पूरे इन द मनी पोजीशन क्लोज हैं,
पुट साइड भी थोड़ा सा क्लोज है, तो आपको एक बार 17,800 मैक्सिमम जा सकता है, इसके ऊपर 800-820 तक ये टारगेट रहेगा ऊपर का मैक्सिमम। लेकिन आपको एक्सपायरी हो सकता है अगर ये पोजीशन 800 और 700 के बीच कल एक्सपायरी हो, इसके बीच एक्सपायरी होगा। बाकी लाइव मार्केट में हम अपडेट करते रहेंगे आपको कि कहाँ पे डेटा बन रहा है, लेकिन अभी डेटा है पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है। 6,50,000 आप देखें तो लगभग पुट साइड और कॉल साइड 2,31,000 ही कॉन्ट्रैक्ट्स होने, और प्रीमियम भी यहाँ पे हमारा दोनों तरफ न्यूट्रल है, आप देख सकते हैं प्रीमियम दोनों तरफ न्यूट्रल है। तो एक बार कल हो सकता है मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर रखा जाए, फिर वो कॉल की राइटिंग करें। और यहाँ ओटीएम में जो यहाँ पे अभी ओटीएम हो रहा था, ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बड़े पे राइटिंग कर रहे थे पुट की, तो इस बेसिस के आधार पर डेटा हमें यहाँ पे बुलिश इंडिकेट कर रहा है निफ्टी का। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी लगभग सेम पोजिशन बन रहा था, क्योंकि इनिशियल से आप देखें तो वहां पे 4,00,000 कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा, 5,00,000 जो है वो राइटिंग हुआ था, 4 से 5,00,000 राइटिंग पूरा पुट साइड ज्यादा था, जो हम अब लाइव मार्केट में आपको सीट एक बार दिखाए थे उसमें वो हम अपडेट करते रहते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे अभी ओटीएम में प्रीमियम थोड़ा सा आपको पुट साइड ज्यादा है, आप देख सकते हैं 55% यहाँ दिखा रहा है, और 41,300 पे यहाँ पे राइटिंग किया जा रहा था बड़े प्लेयर। देखिए ये आईटीएम और ओटीएम ये दोनों में ही बड़े प्लेयर एक्टिव थे पुट साइड, ये डेटा पे पुट साइड यहाँ पे एक्टिव थे, और हमारा जो पेन था वो 41,600 के पास था, दोनों यहाँ पे 41,600 और मार्केट ने उसको 41,570 के पास लगभग लाके क्लोजिंग दिया। तो ओवरऑल डेटा यहाँ पे बुलिश है। कॉल साइड देखें तो सिर्फ 57,000 ही, पुट साइड 6,00,000 कॉन्ट्रैक्ट आज फ्रेश बनाए गए हैं पूरे पुट साइड, तो ये डेटा हमें यहाँ पे अभी बुलिश इंडिकेट कर रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी का। और पेन भी ऊपर है तो एक बार 41,800 या फिर 41,700 तक टच कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो लाइव मार्केट में अगर बड़े प्लेयर यहाँ पे अपना पोजीशन बनाने लगते हैं तो वो हमें दिख जाएगा, और उसको हम अपडेट करते रह देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को एक बार जरूर फॉलो करिए दोस्तों, यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करिए ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए हम करते हैं प्राइज एक्शन की बात। अब हमें प्राइज एक्शन में कहाँ पे लॉन्ग होना है, तो यहाँ थोड़ा देखें कि वीवेब के ऊपर थोड़ा सा क्या है, ऊपर क्लोजिंग हो गया है कैंडल, थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस है इसमें। तो एक बार 554 यानी यहाँ वीवेब हमारा जो है आपको यहाँ पे 17,699-700 दिखा रहा है, तो हमें 700 तक लॉन्ग रहना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 700 के पास तक हमें लॉन्ग रहना है निफ्टी में। ऊपर का टारगेट हमारा एक बार जो 820 का, यहाँ पे मैं आपको बताया कि 820 का टारगेट हो सकता है, क्योंकि देखें यहाँ पे ये बिल्कुल एक सपोर्ट ले रहा था जो हमें 740 वाली एक सपोर्ट जोन है, लेकिन वीवेप हमें इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा नीचे का, तो 700 तक हमें एक बार लॉन्ग रहेंगे कल के लिए। अगर 600-680 के लेवल, 670 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर नीचे रास्ता खुल जाएगा, 600 का टारगेट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, 740 और 700 के लेवल, इस लेवल में कोई आप पोजीशन ना बनाइए जब तक मार्केट आपको 700 के पास से जब बाउंस बैक करके ऊपर चलने लगे, डेटा आपको इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश है, तो आप पोजीशन फ्रेश बनाइए ताकि आपका टारगेट वहां पे बड़ा हो और जो है स्टॉप लॉस छोटा हो। ये हमारा लेवल रहेगा निफ्टी का, नीचे का टारगेट 600 का होगा, 600 ब्रेक कर देगा तो फिर 530 का होगा, ऊपर आपको 820 तक मैक्सिमम जा सकता है, इसके ऊपर भी कोई स्पेस इस एक्सपायरी में नहीं दिख रहा। अगर हम बात करें आपको बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास टच किया हुआ है, जो यहाँ पे देखिए आज पूरे दिन रेजिस्टेंस था, यहाँ पे नीचे आया फिर इसी के ऊपर हुआ, तो यहाँ से एक बार रिजेक्शन आ सकता है और रिजेक्शन आपको 41,350 तक हो सकता है। तो हमें फ्रेश लॉन्ग 41,670 के ऊपर ही होना है, 570 अभी यहाँ ऐसे 670 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग होना है, ताकि वहां पे आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहे, हमारा स्टॉप लॉस आपको 530 उसका आपको या 600 का माफ करिएगा 600 का रहेगा हमारा 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट हमारा 41,900 का रहेगा। तो फ्रेश लॉन्ग आपको 41,670 के ऊपर, टारगेट 41,900 का, फिर 42,000 हो सकता है, 42,50, शॉर्ट होना 41,440 के नीचे, क्योंकि ये आपको देखें जो फ्रेश जो है जो 440 ये वाली स्विंग, माफ करिएगा यहाँ पे जो मार्केट सस्टेन किया था दोस्तों, ये वाली स्विंग, इस स्विंग को जब एक बार ब्रेक करेगा तो नीचे आ सकता है फिर 41,330 तक, 350 तक।
तो इस स्विंग के नीचे यानी 41,500 41,440 का ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी हमें शॉर्ट होना है। टारगेट हमारा 41,350 का और 41,000 का टारगेट हो सकता है। तो ये मोस्टली डेटा के बेसिस पे हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे कि कहाँ पे हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे FII आज लगभग 3,600 करोड़ की कैश में बाइंग किया उन्होंने, तो कैश का डेटा यहाँ पे उनका बुलिश है। DI ने थोड़ा सा सेल किया है, नेट बेसिस पे यहाँ FII कैश में बायर है। ये सब सारे चीज अपडेट करते हैं दोस्तों हम अपने टेलीग्राम पे, इसको जरूर जाके फॉलो करिए। अगर आप सिर्फ ऑप्शन में, ये आप देखिए हमने एक एडवांस सिस्टम बताया था कि हमें लाइव मार्केट में कैसे चेक करना है, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर जरूर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चले कि लाइव मार्केट में हमें कैसे पता करना है। और ये सब सारी चीजें दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमारा एक नेक्स्ट अभी बैच है वो 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम सारा लाइव मार्केट में ऑटोमेशन फुल्ली ऑटोमेटेड कैसे हमें पता करना है कि बड़े बड़े क्या पोजिशन बना रहे हैं वहां पर सिखाया जाता है फ्रॉम जीरो। तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं कल एक्सपायरी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाई सेल या होल्ड का अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना कीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, उन्हीं के सलाह पे बाई सेल होल्ड कीजिए।